अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि मेल कैट मैटिंग के लिए कब रेडी होता है, किस एज में उसे मैटिंग करवानी चाहिए और अगर वो हीट में नहीं आ रहा है तो क्या करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के आपके मेल और फीमेल की एज क्या है। फीमेल की एज 12 मंथ्स मिनिमम होनी चाहिए और मेल 18 मंथ्स टू 2 ईयर का होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट के मैटिंग से पहले आपको मेल फीमेल दोनों की डिवॉर्मिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में कैट की डिवॉर्मिंग नहीं कर सकते और सही टाइम से अगर डिवॉर्मिंग हो जाए तो कैट और किटन दोनों की हेल्थ सही रहती है। कैट की प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले ही आपको कैट की हेल्थ का ध्यान रखना है। कैट की कैल्शियम, आयरन, लीवर टॉनिक जिसे हम कहते हैं, विटामिन, ये सब मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए और ये सब आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी चालू रखना है, जिससे कैट और किटन दोनों की हेल्थ सही रहेगी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है और उनका कहना है कि उनका मेल कैट मैटिंग नहीं करता है और वो फीमेल से फाइट करता है, तो वो लोग कैट फीमेल और मेल दोनों को अलग अलग रूम में बंद करके रखते हैं, ये उनका कहना है। ओके गाइस, सो उन्होंने ये नहीं बताया है कि उन्होंने मेल अभी अभी लिया है या बचपन से उसे पालकर बड़ा किया है। तो मेन पॉइंट तो ये होता है कि मेल अगर आपने कहीं और से लाया है तो उसे आपके घर में एडजस्ट होने में कम से कम 3 महीने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगते हैं। तो अगर ये मेल आपने बचपन से पाला है, इसे बड़ा किया है तो, और फीमेल अभी लाई हुई है तभी भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो कैट्स को एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। पहले तो आप उन्हें एडजस्ट होने दें, एक दूसरे के साथ तो फ्रेंडशिप करने दें। और फ्रेंडशिप अभी आप जो ये कहते हैं कि ये दोनों फाइट करते हैं, तो देखिए ये फाइट नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट ये मैटिंग के लिए उसने फीमेल को पकड़ा है, तो और फीमेल उससे फ्रीली नहीं है, उससे फ्रेंडशिप नहीं हुई है। तो पहले दोनों की अच्छे से फ्रेंडशिप होने दें, दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त दें, दोनों को खेलने दें, वो दोनों खेलेंगे साथ में, फ़ाइट करेंगे और फिर उनकी फ्रेंडशिप भी हो जाएंगी और मैटिंग भी हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको उन्हें वक्त देना होगा, जो आपको साथ में उन्हें रखकर ये वक्त देना है। गाइस, यहाँ पर कुछ फीमेल कैट्स का ये भी मसला होता है कि वो बहुत ज़्यादा शाय होती है, वो सबके सामने मैटिंग करने के लिए रेडी भी नहीं होती है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है रैगडॉल कैट का। ये कभी भी सबके सामने ना ही मैटिंग करती है और ना ही अपनी किटन्स को डिलीवर करती है। तो अगर आपके पास रैगडॉल या हिमालयन टाइप की कैट है तो वो बहुत ज़्यादा शाय होती है। लेकिन यहाँ पर ये वीडियो में देखकर मुझे ये मसला लग रहा है कि यहाँ पर कैट है वो फ्रीली नहीं हुई है मेल कैट से, तो इन दोनों को वक्त दे, एडजस्ट होने दे। और मेडिसिन का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इनकी मेडिसिन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कैल्शियम है, लीवर टॉनिक है, ये सब आप उन्हें दे रहे हैं या नहीं। और मैटिंग से पहले आपको डिवॉर्मिंग ज़रूर करवानी है। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो आप मुझे कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको आपकी कैट का वीडियो भेजना है मुझे, फुल स्क्रीन वीडियो भेजें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। समटाइम पॉसिबल नहीं होता है कि आपको मैं चैट में सारी डिफ़िकल्टी क्लियर करूं, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो का ऑप्शन रखा है। तो अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो और एक ज़रूरी बात कि अगर यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि मेल काफ़ी अच्छा एक्टिव है, लेकिन अगर आपका मेल एक्टिव नहीं है तो आपको उन्हें रोज़ाना रात में एक एग देना है, कच्चा अंडा उसे प्याली में फोड़ लें, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उनसे आधी क्वांटिटी में दें। ये आपको मेल और फीमेल दोनों को देना है। एक अंडा ले लें, उसे अच्छे से फेंट लें और उसे दो कटोरी में डिवाइड कर लें। अब उसके बाद में आपको दोनों कटोरी में हाफ हाफ डालकर इसे देना है, तो ये दोनों वो चाट कर खा जाएंगे। और अगर वो नहीं लेते हैं तो उन्हें भूखा रहने दे एक रात, और लेकिन उन्हें वो दे तो उसे आदत हो जाएगी और वो डेली लेंगे, तो उससे उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी और वो हीट में भी काफ़ी जल्दी आने लगेंगे। अगर हीट में कैट नहीं फीमेल या मेल दोनों में से कोई भी हीट में नहीं आ रहा है, तब उन्हें आपको ये देना है, तो ये 8 to 10 days में ही हीट में आने लगेंगे। सो ये आपको नुस्खा ज़रूर आजमाना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी वीडियो से कितना फ़र्क पड़ता है। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से
क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं या कौन सी डिफ़िकल्टी को मैं आपके दूर कर सकूंगी। और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेड बटन को क्लिक करके बेल आइकन है बाजू में उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस।